जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़ कर आओ। और भर और दे, ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सारे बच्चे कौन है, इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हम आ गए। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा, ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा, ताकि आंसू भी ना निकले और वैसे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। खिलौना है ये? नहीं मानेगी तू मुझे, मेरा बच्चा। रुको, देखती हूँ तुम्हारा बच्चा।